हाय दोस्तों, स्वागत है आपका। हिंदू पौराणिक कथाओं में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं या बहुत कम ही लोग जानते हैं। इसी में से एक घटना के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसे समुद्र मंथन के नाम से जाना जाता है। कैसे हुआ समुद्र मंथन? समुद्र मंथन हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण घटना है। ऐसे कहा जाता है कि यह अमरता का अमृत प्राप्त करने के लिए हुआ, जिसे देवताओं ने असुरों के खिलाफ चल रहे युद्ध में खोजा था। देवता और राक्षसों के क्षेत्र में ब्रह्मांड महासागर के विशाल विस्तार के बीच एक महान गाथा सामने आई। यह दिव्य उथल पुथल का समय था, जहाँ अच्छे और बुरे की ताकतें वर्चस्व के लिए एक महाकाव्य लड़ाई में एकजुट हुई। राक्षस राजा बाली के निरंतर आक्रमण ने स्वर्ग को निगलने का खतरा पैदा कर दिया। जिससे देवता निराश हो गए। शरण और मार्गदर्शन की तलाश में वे अपनी दुर्दशा के समाधान के लिए ब्रह्मांड के संरक्षक भगवान विष्णु के पास मदद मांगने गए। तब विष्णु जी ने अमरता के अमृत को सुरक्षित करने की एक योजना तैयार की। विष्णु जी ने कहा, यह योजना ब्रह्मांड महासागर की गहराई के भीतर छिपा हुआ है, परंतु यह कार्य अकेले पूरा नहीं किया जा सकता। हमें असुरों के साथ मिलकर काम करना चाहिए और मिलकर समुद्र मंथन का कठिन कार्य करना चाहिए। विष्णु जी ने उन्हें अमृत निकालने के लिए समुद्र मंथन में असुरों की सहायता लेने की सलाह दी और उन्हें अमृत का हिस्सा देने का वादा किया। देवता और असुर दोनों इस योजना से सहमत थे, लेकिन उन्हें समुद्र मंथन के लिए एक उपकरण की आवश्यकता थी। मंदार पर्वत को मंथन की छड़ी के रूप में चुना गया और नागराजा वासुकी को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया और दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन 12 दिव्य दिनों तक चला। जैसे ही मंथन प्रक्रिया शुरू हुई, समुद्र से विभिन्न खजाने और प्राणी निकले, जिनमें कामधेनु, उच्चश्रवा, लक्ष्मी और कई अन्य मूल्यवान खजाने शामिल थे। अंत में देवताओं के चिकित्सक धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। देवता और असुर इस बात पर झगड़ने लगे कि अमृत का अधिकारी कौन होगा। हालांकि विष्णु ने हस्तक्षेप किया और असुरों को धोखा देने की एक योजना तैयार की। उन्होंने एक सुंदर और मनमोहक युवती मोहिनी का रूप धारण किया और चालाकी से केवल देवताओं को अमृत वितरित किया, जिससे उनकी जीत सुनिश्चित हुई। इस प्रकार समुद्र मंथन को अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष के साथ साथ अमरता की खोज का प्रतीक एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। यह हिंदू पौराणिक कथाओं में संयोग, छल और द्वेष पर धार्मिकता की विजय के विषयों पर भी प्रकाश डालता है। समुद्र मंथन के दौरान मंथन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप समुद्र से विभिन्न दिव्य और मूल्यवान वस्तुएं निकली। इन खजानों ने हिंदू पौराणिक कथाओं और ब्रह्मांड विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समुद्र मंथन से निकली कुछ उल्लेखनीय वस्तुएं में शामिल है हलाहल यानी जहर। मंथन से निकलने वाले पहले पदार्थों में से एक घातक जहर था,
जिसे हलाहल के नाम से जाना जाता था। भगवान शिव ने ब्रह्मांड को विनाश से बचाने के लिए इस जहर को पी लिया, जिससे उन्हें नीलकंठ की उपाधि मिली। कामदेव मनोकामना पूरी करने वाली दिव्य गाय। माना जाता है कि कामधेनु सभी गायों की माता है और किसी भी इच्छा को पूरा करने में सक्षम है। ऐरावत सफेद हाथी ऐरावत, जिसे भगवान इंद्र का वाहन भी कहा जाता है। मंथन से निकला ऐरावत शक्ति उर्वरता और प्रचुरता का प्रतीक है। उच्चेश्रवा दिव्य सात सिरों वाला घोड़ा। समुद्र से भरा इस घोड़े को घोड़ों का राजा माना जाता है और यह समृद्धि और शक्ति से जुड़ा है। कल्पवृक्ष दिव्य इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष। कल्पवृक्ष मंथन के दौरान प्रकट हुआ। ऐसा माना जाता है कि यह वरदान देता है और मनोकामनाएं पूरी करता है। लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी भी मंथन के दौरान समुद्र से निकली। उन्होंने भगवान विष्णु को अपने जीवन साथी के रूप में चुना, जो संरक्षण और समृद्धि के साथ उनके जुड़ाव को दर्शाता है। धन्वंतरी देवता के चिकित्सक और आयुर्वेद के जनक। धन्वंतरी ही अमरता का अमृत कलश लेकर निकले। दिवाली में धनतेरस का दिन धन्वंतरी के नाम से ही मनाया जाता है। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का दिव्य हथियार। सुदर्शन चक्र मंथन के दौरान समुद्र से निकला था। यह एक शक्तिशाली चक्र है जो बुरी शक्तियों को नष्ट करने में सक्षम है। ये कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं जो समुद्र मंथन से निकली। इनमें से प्रत्येक खजाना प्रतीकात्मक महत्व रखता है और हिंदू पौराणिक कथाओं और ब्रह्मांड विज्ञान भूमिका निभाता है।